हेलो स्टूडेंट वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास स्टूडेंट मॉर्निंग अपडेट में मैं आज आपको बहुत ही मस्त खबर बताऊंगा वो खबर है पेपर आउट वाली जो इंग्लिश का पेपर आउट हुआ था ठीक है तो उसके संबंध में एक खबर है अभी निकल के आया है एमजे पीड यूनिवर्सिटी का कितना बड़ा गलती हुआ है कि जो कॉलेज कुछ कॉलेजों में पता है क्या हुआ है कि जो पेपर आउट हुआ है ना वही पेपर सेम टाइम पे करा दिया गया है मतलब सूचना देरी से पहुंची या फिर मेल चेक नहीं किया मतलब ऐसे लोग कह रहे हैं कि हमें सूचना देरी से पहुंची थी या फिर हमने मेल चेक नहीं किया मतलब एम जे पी रवलखंड यूनिवर्सिटी ने किस किस किसी किसी कॉलेज -किस -किस में ही ये एग्ज़ाम दो वही एग्ज़ाम सेम पेपर हो चुका है तो अब बच्चे काफ़ी मतलब इंस्टाग्राम मैं उस पर देख रहा हूँ कि टेलीग्राम पे और मैसेज में आ रहे हैं कि वो वाला पेपर चाहिए जहाँ पे हो चुके हैं और ना कि पेपर दे दो भाई पेपर दे दो तो ये इतना नहीं हो सकता मेरे को नहीं लगता कि सेम पेपर आपको एम जे पी यूनिवर्सिटी दे देगी तो आप लोग इतनी मारामारी ना करें उस एग्ज़ाम पेपर के लिए जो इंग्लिश का आउट हुआ है तो यहाँ पे कल का न्यूज़ और है एक कि भैया इतने ज़्यादा अभ्यर्थी पहुंच गए कि बरेली में जाम ही लग गया था ठीक है तो वो जाम लगने की स्थिति तो मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि भीड़ इतनी एक साथ जब छूटता है एग्जाम तो भीड़ तो वैसे भी हो ही जाती है ठीक है इसके साथ साथ देखिए ये कॉर्नर में दिया हुआ है स्थगित होने के बावजूद भी महाविद्यालयों में कराएगी परीक्षा तो वही के इसी के संबंध में आपको बता रहा था कि जो एग्ज़ाम पेपर आउट हुआ है ठीक है इंग्लिश का तो उसका कहीं कहीं पे कॉलेज में हो भी गया है बिजनौर है और उसके अन्य मतलब जिलों में इधर उधर जिले बता रहे थे कि वहाँ पे एग्ज़ाम हो गया तो बच्चे टेलीग्राम पे बस यही मैसेज सारे ग्रुपों में देख रहा हूँ मैं जो भी रिलेटेड मेरे ग्रुप हैं तो उन मैसेज में इसमें यही चल रहा है भाई जिसने एग्ज़ाम दे रखा हो जिसके जिसके ज़िले में हो रखा है वो हमें एग्ज़ाम सेंड कर दें तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इतना मारामारी कर रहे हैं कि वही सेम एग्ज़ाम आपको मिल जाएगा एम जे पी रेवकर यूनिवर्सिटी मेरे को लगता है कि 100 परसेंट उसको एग्जाम को चेंज करेगी नुकसान ज़्यादा होगा एम जे पी देवकर यूनिवर्सिटी का मानता हूँ मैं क्योंकि एग्जाम अब जब एकदम एक तो एग्ज़ाम ऐसा होता कि कहीं नहीं हो पाता एग्जाम वो एकदम आउट हुआ और अब तो जब आउट हो गया बच्चों ने देख भी लिया और कुछ बच्चों ने तो कंडक्ट भी कर लिया और पास भी हो चुके मतलब वो दे भी चुके हैं एग्ज़ाम तो हो सकता है कि उनका भी दोबारा एग्जाम हो या फिर ये दोबारा से एग्जाम उनका ना हो तो नए जो बच्चे के जो रह चुके हैं उनका एक नई डेट शीट निकल के आएगी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे चैनल पर जैसे ही आपको नया डेट शीट जारी होगा वो आपको मिल जाएगा तो बने रहिए हमारे साथ में जुड़े रहिए हम बता देंगे आपको जैसी की न्यूज आएगी तो ये देख लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कोनर न्यूज है ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है शुक्रवार को स्थगित होने के बावजूद भी महाविद्यालयों ने हो गई परीक्षा है बरेली शुक्रवार को तृतीय पाली में एम ए द्वितीय वर्ष अंग्रेजी के, अंग्रे के प्रश्न पत्र की परीक्षा स्थगित की गई थी इसके बावजूद बिजनौर जिलों में कुछ महाविद्यालयों में परीक्षा हो गई इसी की बेस की वजह से से विश्वविद्यालय तरफ मेल और व्हाट्सएप पर सूचना की गई थी लेकिन कुछ महाविद्यालयों ने यह समय पर नहीं देखा या मेल चेक नहीं किया और स्थगित होने के कारण द्वितीय पाली, पाली के प्रश्न पत्र के साथ तृतीय पाली का प्रश्न पत्र भी खुल गया था ठीक है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था और जिस महाविद्यालय में प्रश्न पत्र खुला था वहां के प्रशासन का कहना है कि वो गलत लिखा था उस पर लिखा था थर्ड सेकेंड लिखा था मतलब गलत लिखा था और पेपर अलग दूसरे थे लेकिन अब जो जांच है वो ल स्तर पर होगी तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आप पेपर के लिए मारा मारी ना करें जैसे ही कुछ होगा अपडेट मैं आपको बता दूंगा और पेपर तो आपका चेंज होकर न्यू मिलेगी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए